हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस की मीनिंग डेफिनेशन, नेचर स्कोप और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे तो बिजनेस फाइनेंस में ये क्या रेफ़र करता है उन सारी मनी या क्रेडिट जो कि बिज़नेस में रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें रेफ़र करता है अब मनी बिज़नेस में रिक्वायर्ड क्यों होती हैं क्योंकि बिज़नेस जब आप शुरू करते हो तो आपको एसेस खरीदना है आपको रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं या और भी सारी जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में परफॉर्म की जाती हैं लाइक like आपको लेबर्स को वेजेस देना है सैलरी प्रोवाइड करना है रेंट प्रोवाइड करना है रेंट देना है तो मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बिजनेस में परफॉर्म करनी होती है और उन सब के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या है आपका फ़ंड मनी राइट अब वो चाहे इन फॉर्म ऑफ मनी हो या फिर क्रेडिट फॉर्म में हो पर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस क्या हो गया बिजनेस फाइनेंस में हम इन सारे फंड्स को जो कि बिज़नेस में रिक्वायर्ड हैं उनको मैनेज करते हैं वो कहाँ से आएंगे उनके सोर्सेज क्या होंगे और उनको कहाँ यूज़ करना है किस तरीके से यूज़ करें कि जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके सो बेसिकली अगर बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन देखें तो गटमेंट एंड डगल ने क्या कहा उन्होंने कहा बिज़नेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड as the activity concerned with planning raising controlling and administering of fund used in business उन्होंने कहा कि अगर हम बिजनेस फाइनेंस को देखें तो ये उन एक्टिविटीज़ को कंसर्न करता हूँ उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है जहाँ पे हम बिजनेस में यूज होने वाले फंड्स को प्लान करते हैं कि कहाँ से रेस करना है कैसे उसे कंट्रोल करना है और कैसे उसे एडमिनिस्टर करना है बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लानिंग रेजिंग कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रिंग ये सारी एक्टिविटीज़ को ही हम इन टोटल क्या कहते हैं मैनेजमेंट तो हम बिज़नेस फाइनेंस में क्या कर रहे हैं फ़ंड्स को मैनेज कर रहे हैं कौन से फ़ंड्स को जो बिज़नेस में यूज़ होने वाले हैं तो इसीलिए गटमेंट डगल के हिसाब से वो सारे फ़ंड्स जो बिज़नेस में आप यूज़ कर रहे हैं उनको प्लान करना वो कहाँ रेज होंगे कैसे कंट्रोल किए जाएंगे और कैसे एडमिनिस्टर कर जाएंगे इन सारी एक्टिविटीज़ को ही क्या कहते हैं बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं अब बिजनेस फाइनेंस को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं क्योंकि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और जब फंड्स को मैनेज कर करें क्योंकि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग ये सब किसके फंक्शन है मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं तो इसीलिए फंड्स को मैनेज करने ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स में आ जाता है तो ऐसे कुच्चल ने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड देर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन दी बिजनेस तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बेसिकली फंड्स का जो बिज़नेस में यूज़ होने वाले हैं उनको प्रोक्योर करना मतलब कहाँ कहाँ से एक्वायर किया जा सकता है उनके प्रोक्योरमेंट करना और उनका सही से यूटिलाइजेशन करना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन सही से यूटिलाइजेशन करना ही क्या कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस फाइनेंस को ही हम ब्रॉडर सेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं क्योंकि बिजनेस फाइनेंस बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को प्ले करता है और जिन डिसीजंस के बेसिस पे ही हम उनको क्या कह देते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है करेक्ट तो अगर देखा जाए इन टोटल बिजनेस फाइनेंस क्या हो गया तो वो सारे फंड्स जो कि बिजनेस में यूज होने वाले हैं उनको मैनेज करना उनको ये देखना कि वो कहाँ से एक्वायर होंगे और उनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस और इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट ये ऐसे क्वेश्चन की डेफिनेशन थी अब इसके आगे हम देखते हैं इसके नेचर ऑफ बिजनेस क्या क्या है सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या है तो फिना, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है यहाँ पे रिस्क को फिगर आउट किया जाता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर आप फिनेंस को एक्वायर करने के बारे में सोचना है उसको यूटिलाइज करने के बारे में सोचना है तो बट ऑफ बात आप वहीं यूटिलाइज करना चाहें जहाँ जहाँ जा पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जो गेन को पाने के लिए प्रॉफिट को पाने के लिए जो रिस्क आपके सामने आते हैं उनको फिगर आउट हम कहाँ कर पाते हैं बिजनेस फिनांस में क्यों कर पाते हैं क्यों क्योंकि हम यहाँ पर पूरा सब कुछ देख रहे हैं ना पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा कैसे उसको मैनेज करना है कैसे प्लान करना है कहाँ गड़बड़ी हो रही है हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं प्रॉब्लम है हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम ओवरऑल सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बिजनेस फाइनेंस का ये नेचर है ठीक है इसके अलावा इसका क्या नेचर होता है कि ये सभी टाइप के बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है चाहे बिजनेस किसी भी चीज़ का हो आप इंडस् किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हो है ना कोई बड़ा बिजनेस हो कोई छोटा बिज़नेस है कपड़े का बिज़नेस है गैस का बिज़नेस है एजेंसी का किसी भी किसी चीज़ की एजेंसी है किसी भी तरह का बिजनेस है ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में आपको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट का होने का मतलब क्या हो गया कि आपको ज़रूरत है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए कैसे हमको देखा जाए कि भाई हमें फंड कहाँ से आए कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए तो इट नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ़ बिज़नेस तो अच्छा बिज़नेस फाइनेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ बिज़नेस पे बिज़नेस बड़ा है या छोटा भाई ज़्यादा होगा तो वहाँ मैनेजमेंट की ज़्यादा भी ज़रूरत होगी जहाँ पर अगर बिज़नेस साइज छोटा है छोटे लेवल का बिज़नेस है तो वहाँ पर बिज़नेस मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं वो भी लोअर लेवल पर होगी उससे कम होगी होगी तो मैनेजमेंट तो करना होगा बिज़नेस फाइनेंस तो होगा पर साइज़ डिपेंड करता है साइज़ पे ये डिपेंड करता है कि किस हद तक किस एक्सटेंथ तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है सो so, ये हो गया आपका इसके अलावा इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल बिज़नेस फाइनेंस में जब आप स्टडी करते हो तो जितने भी कैपिटल के टाइप्स हैं चाहे वो आपको ओन्ड कैपिटल आ रही हो या फिर वो बोरोड हो आपको मतलब शेयर्स वगैरह से या रिटर्न अर्निंग से हो रही हो या फिर आपको डिवेंचर या लोन वगैरह के थ्रू आपको कैपिटल आप इकट्ठा कर रहे हो आप उन सबको मैनेज करने के बारे में बात करते हो तो यहाँ सारे टाइप के कैपिटल इंक्लूड हो जाते हैं डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस बिजनेस फाइनेंस का एक नेचर और क्या हो गया कि ये बिजनेस की साइज को डिटरमाइन कर पाता है अगर कम है तो आप समझ सकते हो कि जो बिजनेस का साइज है वो स्मॉल साइज का बिजनेस है अगर ज़्यादा है तो आप क्या समझते हो कि हाँ भाई ये बड़े साइज का बिग साइज़ का बिजनेस है तो साइज कितना ज़्यादा है बिजनेस कितना ज़्यादा फैला हुआ कितना वाइड उसका स्कोप है ये भी कौन डिटरमाइन करता है आपका बिजनेस फाइनेंस डिटरमाइन कर लेता है और बिज़नेस फाइनेंस एक वाइडर टर्म है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा इसमें बहुत सारी चीज़ सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करेगा वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है हो या उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो सारे फंडिंग को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलो, अलो, मतलब अलोकेट कराता है कि भाई किसको कितनी ज़रूरत है फंड की और वो प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें बिज़नेस फाइनेंस के अंदर होती हैं तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे बिजनेस फाइनेंस एग्जिस्ट करता है ठीक है ये उसके नेचर्स हो गए अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस अब जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं स्कोप का मतलब हो गया वो सारे एरिया जो कवर किए जाएंगे बिजनेस फाइनेंस में है ना स्कोप वो एरिया जो उसका क्षेत्रफल है ना इतना वर्क वो करेगा तो वो सब चीज़ें बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड हो जा रहा है तो एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बिजनेस फाइनेंस में क्या करते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हो उसे रिस्क पर रिसर्च करते हो अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कंपनी की सारी चीज़ें आ गई उनकी ट्रेडिंग उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनका बैलेंस शीट उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना सारी चीज़ सारे स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशियो एनालिसिस का भी जो भी है सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं तो आप क्या करते हो उसको एनालिसिस करते हो रेशियो वगैरह के थ्रू आप क्या कर पाते हो एनालिसिस कर पाते हो बैलेंस शीट को एनालिसिस कर पाते हो और आप रिसर्च करते हो कि आपको फंडिंग की कहाँ ज़रूरत है कहाँ पे प्रॉब्लम है कैपिटल कहाँ पे रखनी चाहिए कैसे रखनी चाहिए हमारे पास रिजर्व्स कितना रखा गया है आप इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हो फैनैशियल स्टेटमेंट के थ्रू तो बिजनेस फाइनेंस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हो क्योंकि तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों है क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजीजंस लेते हैं और अगर देखा जाए तो तीन ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं फाइनेंस डिसीज़न इन्वेस्टमेंट डिसीज़न और डिविडेंट डिसीज़न तो ये तीनों डिसीज़न लेना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है और इन तीनों डिसीजन को जब डिटेल में देखेंगे तो आप कहेंगे कि पूरा काम जो भी आप ये स्कोप पढ़ रहे हैं जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आ गई तो वहाँ पे जब हमको ये देखना है कि भाई हमारी कैपिटल कितनी है हमने रिजर्व कितनी रखी है है ना हमारे पास लोन कितने हैं डेटस कितने है, इन सबको हम एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं तो ये भी हमारा बिजनेस फाइनेंस का स्कोप आ गया इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बट ऑबियस की बात है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं उसकी रिसर्च करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि अब हमको कैसे प्लान करना है हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज की तरफ फंडिंग के जाना है हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज की तरफ जाना है हमें कैसे इन्वेस्टमेंट अपने देखने हैं और अगर कहीं कोई इशूज़ है तो हमें कहाँ पर कंट्रोलिंग मेजर्स अप्लाई करने हैं वो सब हम यहाँ पर वर्क करते हैं बिज़नेस फाइनेंस के अंदर ही करते हैं बिजनेस फाइनेंस का एक स्कोप क्या हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेज करना कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करना कि हम अपने कैपिटल्स को कहाँ से इकट्ठा करें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी है ना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं कि भाई सरिया लग रहा है कॉन्क्रीट लग रहा है या सीमेंट ईंट ब्रिक की सब हम देखते हैं ना कि ये सब चीज़ें लगती हैं और इन सबको मिला के तब आपकी बिल्डिंग तैयार होती है सबका स्ट्रक्चर तैयार होता है सिमिलरली हम बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको मैनेज करते हैं कैपिटल का स्ट्रक्चर कैपिटल कहाँ से फ्रेम करेंगे क्या क्या लाएंगे हम शेयर से लाएंगे प्रेफरेंस से लाएंगे डिप्ट से लाएंगे रिटर्न अर्निंग से लाएंगे इक्विटी से लाएंगे हम कहाँ से अपनी कैपिटल इकट्ठा करेंगे किसको कितनी क्वांटिटी में रखेंगे हम ये मैनेज करते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही है ना इसके अलावा क्या रेजिंग कैपिटल हम डिसाइड करते हैं कि हमको कैपिटल किस सोर्स से लेना है अब कैपिटल को रेस करने के अलग अलग सोर्सेज हैं है ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं तो आप अपनी कैपिटल किस सोर्स से रेस करना चाह रहे हो आप ओन्ड कैपिटल चाह रहे हो या बोरोड कैपिटल चाह रहे हो तो हम ये डिसाइड करते हैं और फंडिंग वहाँ से रेस करते हैं क्योंकि पूरा बिजनेस फाइनेंस है क्या प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ फ़ंड एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ़ंड फंड को एक्वायर करना प्रोक्योर करना और उसका प्रॉपर एलोकेशन करना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना यही तो है तो हम बट ऑफर से बात है कि बिजनेस फाइनेंस में हम क्या काम करेंगे हम कैपिटल को रेज करेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे क्योंकि मैंने कहा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम डिसीजन लेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम फंडिंग कहाँ से रेज करें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज करें हम कहाँ से फंडिंग रेज करें ओन्ड या फिर बोरोड कैपिटल सिमिलरली हम इसमें और क्या काम करते हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो फंडिंग है भाई पैसा आना ही नहीं है पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी तो करना है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये भी हम यहीं पर डिसाइड करते हैं ये भी डिसीजन हम यहाँ पे लेते हैं अब इन्वेस्टिंग कैपिटल का मतलब ये हो जाता है आपका कि हम कैपिटल को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट है जैसे हमें पॉजिटिव एन पी वी क्रिएट हो वेल्थ क्रिएट हो हमारी कंपनी की हमारे बिजनेस की तो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हुए डिसीजन लेना है कि हमें लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना है या शॉर्ट टर्म में हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे प्रोजेक्ट में जो हमें बीस साल पच्चीस साल तीस साल बाद रिटर्न दे रही है या हमें शॉर्ट टर्म में एक साल दो साल पाँच साल में रिटर्न में कमाना है तो हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करना है तो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजनस यहाँ पर लेते हैं इसके अलावा क्या होता है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस एंड रिस्क तो यहाँ पे बिज़नेस फाइनेंस में हम क्या करते हैं चूँकि पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है तो हम मैनेज कर रहे हैं किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं रिस्क और रिटर्न को दो टर्म्स पूरे बिजनेस फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है हम रिस्क और रिटर्न को मैनेज करते हैं कि कहाँ रिस्क है कहाँ से सोर्स source, जो सोर्सेज मेरे सामने हैं हैंक्विशन के तो वहाँ पर रिस्क कितना इन्वॉल्व है अगर हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं एलोकेशन करा रहे हैं यूटिलाइज़ कर रहे हैं फंड को तो यहाँ पर कितना रिस्क इन्वॉल्व है हम कितना रिस्क उठा रहे हैं तो हम कितना रिटर्न पा रहे हैं तो रिस्क और रिटर्न को प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करते हैं यहाँ पे और साथ ही हम उसको मॉनिटर भी करते हैं कि कहीं भी रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस नहीं आ रहा है हम ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं और रिटर्न हमें कम मिल रहा है तो हमें वहाँ पर कंट्रोलिंग मेजर भी अप्लाई करना है तो फिनांस में हम रिस्क और रिटर्न को अच्छे से इवेलुएट करते हैं उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसे मैनेज करते हैं उसे प्रॉपर मॉनिटर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम जो भी करेक्टिव मेजर्स होते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं इसके अलावा हम यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस में क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया कि वो फंड्स जो हमें डे टू डे बिज़नेस में रिक्वायर्ड हैं है ना अपने बिज़नेस को स्मूथली रन कराने के लिए जिन कैपिटल्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें कितनी चाहिए हमें कितना पोर्शन वर्किंग कैपिटल का फिक्सड रखना है जो हमेशा हमारे बिजनेस बनी रहे हमें कितना फ्लैक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल रखनी है है ना परमानेंट कौन सा है कौन सा अप्रोच वर्किंग कैपिटल के लिए हमें अप्लाई करना है हेजिंग कंजर्वेटिव कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है ये सब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अब अगर आप देखिए तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही आता है जहाँ हमें डिसाइड करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं क्योंकि ये फंडिंग का वो पोर्शन है जो हमेशा आपको इस्तेमाल होगा वो ईयरली रोटेट कर रहा होता है ना डे टू डे वर्किंग के लिए रोटेट कर रहा होता है तो कितना पैसा हमें वर्किंग कैपिटल में रखना है हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं इसके अलावा क्या हो गया हमारा डिविडेंड मैनेजमेंट अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो तीसरा डिसीजन हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है वो डिविडेंड मैनेजमेंट है हम डिविडेंड को मैनेज करते हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब कितना डिविडेंड बांटना क्योंकि आपका डिविडेंड बांटना बहुत मैटर करता है अगर किसी कंपनी में ज़्यादा डिविडेंड मिलने वाले हैं जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो और आपको आइडिया है बिजनेस फाइनेंस के बारे में तो आप देखेंगे कि जब कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर होने वाले थे उस टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती हैं क्यों क्योंकि इस वक्त अगर शेयर्स परचेज होंगे और जिस पर्सन के पास वो शेयर्स चले जाएंगे उसको उस कंपनी का डिविडेंड भी मिल जाएगा क्योंकि जिसके पास शेयर होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा तो उस टाइम पर क्या होता है डिविडेंड आने वाला होता है तो शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाती हैं तो से बात है अब शेयर की प्राइस इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ शेयर की प्राइस इंक्रीज़ करने का मतलब हो गया कि आपकी कंपनी की वेल्थ क्रिएट हो रही है आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी जा रही है ज़्यादा शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हो रही है है ना अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी अच्छा परफॉर्म कभी कभी तभी तो मार्केट में शेयर प्राइस अच्छी है उसकी तो कहने का मतलब कि डिविडेंड आपके बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है तो डिविडेंड को भी बहुत तरीके से डिसाइड करना होता है उसका बहुत वाइजली डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना है करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है हम क्यों नहीं करेंगे हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम एक्सपेंड करें उसके लिए हम फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं जिसे कहते हैं रिटेन करके पैसा रखना है रिटेनड अर्निंग तो वो हम फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए उस पैसे को रख तो हैं हम उस केस में प्रॉफिट का पोर्शन डिविडेंड में नहीं बांटेंगे हम वो प्रॉफिट का पोर्शन रिटेन करके रख लेंगे है ना तो कब हमें रिटेन करके रखना है कब हमें डिविडेंड बांट देना है किस एक्सटेंट तक रिटर्न करके रखना है किस एक्सटेंट के बाद हमें बांटना है तो इस ये डिसीज़न भी हम कहाँ लेते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही ये सब आता है इसे वो कहते हैं डिविडेंड मैनेज करना अब इसके लिए बहुत सारी थियोरीज दी गई हैं वाल्टर मॉडल गोल्डन मॉडल एम एम मॉडल जो आपको एडवाइस करती हैं कि फर्म की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके डिविडेंड का डिविडेंड डिसीज़न का राइट तो ये हमारा पूरा का पूरा स्कोप आ गया बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस फाइनेंस के में हम ये सारे काम करते हैं कैपिटल को रेज करना इन्वेस्ट करना डिट को डिसाइड करना उसको मॉनिटर करना रिस्क और रिटर्न को वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना प्लानिंग करना और रिसर्च करना राइट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की बिजनेस फाइनेंस जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी है क्या इंपॉर्टेंस है क्यों सिग्निफिकेंट है ये बिजनेस फाइनेंस है ना क्यों अगर आपसे पूछे बिजनेस फाइनेंस के रीजंस बताइए कॉजेज बताइए क्यों जरूरत है इसकी तो आप जो ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है यही रीज़न है जिसके लिए ये जरूरी है तो कॉजेज़ भी तो यही है बिजनेस फाइनेंस के है ना सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है तो उसकी कॉजेज़ बने क्यों बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्यों अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के देखें कि क्यों जरूरत है आपको बिजनेस फाइनेंस की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई ये रीज़न ये है जिसके लिए मुझे बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत है ये तब इसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि यही सिग्निफिकेंस है यही इंपॉर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस की तो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपको इसका मतलब समझना होता है तो नेसेसरी फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये ज़रूरत है आपको बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और दूसरा प्रॉस्पर देखिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों है क्यों रीजन क्या है बिजनेस फाइनेंस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बिजनेस फाइनेंस को स्टैब्लिश बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है तो ये नेसेसरी है किस लिए बिजनेस को स्टैब्लि स्टैबल करने के लिए राइट तो सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आपको बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है और क्यों रीज़न है बिज़नेस को रन कराने के लिए स्मूथ स्मूथ फंक्शन के लिए बिज़नेस के आपको फंडिंग चाहिए चाहिए बिज़नेस फाइनेंस चाहिए चाहिए उसको मॉनिटर करना चाहिए चाहिए उसको मैनेज करना है ही है क्योंकि तभी तो आपका बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा अब कोविड का केस जैसे हमने देखा यहाँ पे ये क्या हुआ कि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई तो अगर कोई प्लान करके जो जिसकी प्लानिंग अच्छी रही होगी बिजनेस के रिगार्डिंग में तो उसने ज़रूर अपनी कंटिजेंसीज के लिए फंड एक्वायर करके रखा होगा अगर उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा तो उसने अपने लिए स्टॉक मेंटेन करके रखा होगा तो कोविड के केसेस में क्राइसिस चल रही थी पर इन मतलब उस सिचुएशन में भी वो कुछ एक्सटेंट तक उसको मीट आउट कर पाया होगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर फंडिंग होगी प्रॉपर इन्वेंट्री होगा तो कुछ टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव कर सकता था है ना तो मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं तो बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए जहाँ पे आपको फंडिंग की प्रॉब्लम ना आने पाए कोई क्राइसिस आ गई मार्केट में अचानक से तो ऐसा ना हो कि आपके पास भी क्राइसिस आ गई आप कुछ हद तक उसको सर्वाइव कर पाओ तो उसको उसके रन के लिए भी बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए बिजनेस फाइनेंस ज़रूरी है क्यों कैसे अग, अग, अगर आपका है कि मुझे एक्सपेंड करना है तो आपके माइंड में ये चीज़ प्लान हो गई है कि मुझे बिज़नेस को आगे फ्यूचर में बढ़ाना है ग्रो कराना है एक्सपेंड कराना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोलनी है तो मुझे फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो अब हम पूरा अपना प्लानिंग हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास रिटेन लर्निंग का पोर्शन ज़्यादा हो हम मॉडर्नाइज करना चाहते तो भी हमें पूरा बिजनेस फाइनेंस देखना होगा कि कहाँ से क्योंकि बिज़नेस फाइनेंस को सिर्फ एक टर्म से देखिए कि पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ यूटिलाइज़ करना है इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करना है ना अच्छे से कंट्रोल करना एडमिनिस्टर करना, करना यही तो बिजनेस फाइनेंस है तो ये ज़रूरी क्यों होगा क्योंकि अगर आप मॉडर्न करना चाहते हो आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपको ये सारा काम देखना पड़ेगा और ये सब काम देखना पड़ा इसका मतलब बिजनेस फैंस ज़रूरी है वो पढ़ना ज़रूरी है राइट नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए भी बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है आप मान लीजिए कि एक टेंडर का या टे, एक टेंडर का देखते हैं एक एक्जाम्पल लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसको टेंडर भरना है राइट right? अब उसको पता है कि उसके पास अच्छे लेबर है अच्छे एम्प्लॉई हैं और वो फ्यूचर में उस टेंडर को अगर कर लेती है तो पा जाती है गवर्नमेंट उस टेंडर को तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी है ना और बहुत प्रॉफिट कमाएगी उसकी सारी स्ट्रेटी बहुत अच्छी है और अचानक से बात क्या होती है कि टेंडर भरने के लिए इतनी सिक्योरिटी मनी जमा करनी है मान लो मैंने अच्छा करोड़ों अरबों का टेंडर था और बोला गया दो करोड़ रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी है अब तुम्हारे आपके पास आपके बिजनेस में सब कुछ था सब चीज़ बहुत अच्छे से थी लेकिन आपका लेबर आपका प्लानिंग सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था लेकिन आपके पास लिक्विड मनी नहीं थी दो करोड़ रुपए ही नहीं थी कि आप सिक्योरिटी जमा करो तो आप टेंडर भरने के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो कहने का मतलब प्रॉपर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से अवेल कर पाओ उसके लिए प्लानिंग ज़रूरत है फंड की और उसके लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है अगर आपके पास रहेगा लिक्विड वह आप दो करोड़ रखोगे तभी तो आप आगे की जो पूरी प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट का जो आपने सोच रखा कि ये टेंडर मुझे मिल जाएगा तो इससे इतने रुपए जनरेट हो जाएंगे ये एम्प्लॉई यहाँ काम करेंगे हमारी इसमें बहुत अच्छी हमारी यूएसपी हमारी यही है हम अच्छे से काम इस पर कर सकते हैं तो ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी जब आप अवेल कर पाओगे अपॉर्चुनिटी को और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको फंड जरूरत है तो कहने का मतलब बिजनेस फाइनेंस आपको अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए भी नेसेसरी है फॉर फेसिंग रिसेशन रिसेशन अब recession का टाइम पीरियड है उसको फेस आउट करने के लिए उसे बाहर निकलने के लिए ओवरकम करने के लिए भी आपको प्लान्स की रिक्वायरमेंट है अब जैसे मैंने अभी कोविड का केस बताया तो उस केस में भी आपने देखे तो ये जिनके पास फंडिंग की अच्छी तरीके से नॉलेज रही होगी प्लानिंग रही होगी एडमिनिस्टर कर पाए होंगे वो इस रिसेशन से भी बाहर आ पाए होंगे इसके अलावा इंक्रीजिंग गुडविल गुडविल बढ़ाने के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है जिसके लिक्विड मनी अच्छी जिसके पास फंड अच्छा है जिसका प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है उस कंपनी की गुडविल अपने आप हाँ क्रिएट होती है तो बिजनेस फाइनेंस का होना उसका प्रॉपर तरीके से होना आपकी गुडविल के लिए भी ज़रूरी है टू मिट कंटीजेंसी किसी भी टाइप की अननेसे तो मतलब अनसीन कोई कंटीजेंसीज आई जिसके लिए आप एक्सपेक्टेड ना हो आपने एक्सपेक्ट किया भी ना हो तो उस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो बिजनेस फाइनेंस अगर आप किए हो अपने कंपनी में मतलब अच्छे तरीके से इसको मैनेज किए हो आपने सोर्सेज और यूटिलाइजेशन का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है तो आप किसी भी तरीके की कंटीजेंसीज को मिट आउट करने के लिए एलिजिबल होते हैं और सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है कहाँ एडवर्टीजमेंट करनी है कितनी एडवर्टीजमेंट करनी है उन सब चीज़ के लिए आपको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमने पूरा देख लिया कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है मीनिंग नेचर स्कोप सिग्निफिकेंस एंड ऑल आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच